जो अनुभव मंडप का जो विषय चल रहा सर, तो ये विषय अभी क्यों चल रहा सर इतना बड़ा देश में? अभी ये आवाज से नहीं, कईयों सालों से हम इसके बारे में उपराट कर रहे हैं। हमारे पूज्य बसोधर्म पीठ के पूज्य माता जी भी कूड़ा, हम कल्याण पर्व के कार्यंकर में, कपड़ी संगम में भी, हर जगह हर वक्त उन माता जी मूल अनुभव मंडप पर्शकट्टी, ये बसवादी परंपरा का क्षेत्र है, यहाँ पे मूल अनुभव मंडप था और ये मूल अनुभव मंडप होना आज से नहीं, हमारे कईयों सालों से, हमारे बाप दादाओं से, परदादाओं से ये चलते आ रहा है, लेकिन आज वो वक्त आ चुका है, उसका समय आ चुका है। हर चीज़ का समय होता है, उस हिसाब से हमारी जो है, जो पीर पाशा कट्टा जो है, पीर पाशा दरगाह जो है, वो पहले पीर पाशा दरगाह नहीं था, हाँ वहाँ पे कोई दरगाह था ही नहीं था, हाँ ये हमारा कहना है, क्योंकि वहाँ का जो वास्तुशिला है, जो शिल्पी है, जो पुरातन काल के अंदर, जो 12वीं शतमानी के अंदर जो चालुक्य साम्राज्य के जो उनकी शैली की जो कीर्तन है, हाँ वो उस भावी के कीर्तन के अंदर बताता है कि ये एक एक संस्कृति की और चालुक्य की संस्कृति के अंदर बनाए सो है, वही हम अनुभव मंडप है, मूल अनुभव मंडप है बोल के मेरा दावा है। ये सर हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से 1991 के कानून के हिसाब से तो नहीं बढ़ता ना सर? 1991 के कानून के हिसाब से ये भी नहीं बैठता था, अयोध्या का राम मंदिर भी नहीं बैठता था, अयोध्या का राम मंदिर बैठा, ये बसवेश्वर का अनुभव मंडप क्यों नहीं बैठता? तो ऑलरेडी बसवेश्वर मंडप है ना सर? बसवेश्वर मंडप जो है वो नूतन अनुभव मंडप है, ये जैसी अयोध्या में जो राम मंदिर लीला, सरकार भी बोले, जब कोर्ट भी बोले, 2 एकड़ जमीन लेते हैं वहां बंदो यहाँ बंदो बोले, लेकिन माने क्या वो लोग? नहीं माने, हम भी नहीं मानते भाई, हम क्यों मानेंगे? ये हमारी हमारी है, हमारे बसवेश्वर की संत की है, हम कहीं को छोड़ेंगे? जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो वो समस्त हिंदू परंपरा संगठन के ओर से अपना अपना अयोध्या का राम मंदिर वो जहाँ वहाँ बनाया, हम क्यों नहीं बनाते हैं यहाँ पे कल्याण के अंदर? मूल जहाँ था वहाँ होना हमारे को, जो आज सरकार जो बना रहे 500 करोड़ के अंदर वो हर जिले में बनन दे, हमको उससे कोई वास्ता नहीं, अच्छी काम है, हम उसको स्वागत करते हैं। और मैं चल स्वामी जी लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको हम स्वागत करते हैं, सरकार जो येडियुरप्पा बनाए उनके पीरियड के अंदर आके, उस टाइम पे हम बनाते टाइम को भी येडियुरप्पा है, जब हम मेमोरम दिए थे, मूल अनुभव मंडप शोधन करो, वहाँ पे प्राचीन वस्तु संग्रहालय से शोधन करो, और शोधन करके वहाँ पे एक स्मारक बनाओ बोल के हमारी मांग है, आज से नहीं कई सालों से हमारी मांग उठ रही है। सर अभी जो संसद, एक जमाने में संसद था पर बसों कल्याण में, तो अब तक पुराने लोग बोलते थे, लेकिन ये इशू अभी उठा सर, पहले नहीं उठा था। चलो मान लेंगे, आपको थोड़ी देर के लिए मान मानता हूँ मैं, आज के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं भाई, इशू के अंदर आज कहीं अफ्रीका में जा रहे हैं, लंदन में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, चीन के अंदर, हर जगह जाके इशू को प्रथम कोई पार्लियामेंट था, तो हमारी लोग, हमारी पुरातन लोग, हमारी बाप दादा की लोग सोच थी कि 12वीं शतमानी के अंदर ही ये प्रजातंत्र व्यवस्था पार्लियामेंट इशू को इशू के अंदर पहली पार्लियामेंट दिए है, बल्कि नरेंद्र मोदी जब सरकार से पूरे देश के अंदर कह रहे हैं ना। सर बसो कल्याण के खुद एक महाराज ने कहा है कि हमारे पास इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। वो कौन कहते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स नहीं है बोले तो? अब बताओ कहाँ पे नहीं, अब वो भी मना दो, वो भी डॉक्यूमेंट कहाँ है बताओ बोले तो मेरे को, कहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका तो बताओ भाई। चलो आप मान गए, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ नहीं है बोल के, आपका बताओ, आपका आप ही बताइए, मैं यही स्वामी लोगों से पूछता हूँ, चलो कहाँ है अनुभव मंडप? अनुभव मंडप नहीं बोले तो बसवेश्वर नहीं है, कैसे हो सकता है क्या ऐसा, कभी हुआ क्या ऐसा? नहीं हो सकता, जैसी सूरज चांद जैसी जिंदा है, वैसा ही अनुभव मंडप जिंदा है, अनुभव मंडप होना ही चाहिए, हमारी मांग है, सरकार से हम गुजारिश करते हैं, मोहब्बत से दिए तो मोहब्बत से लेंगे, प्यार से दिए तो प्यार से लेंगे, हम नवाब से भी हम बहुत गुजारिश किए हैं, हमारी नवाब, ये नवाब जैसी, ये नवाब कौन थे बोले तो निज़ाम के ज़माने के जो निज़ाम के दामाद थे, जब उस ज़माने में उनको 140 हली के उनको सियासत बनाए थे वहाँ पे बसो कल्याण के नवाब, जब सरकार नवाब इनका निज़ाम का चले गया तो नवाब का सरकार कहाँ रहते जी? सर जब निजामी चलेगा तो नवाब कहाँ रहेगा? नवाब का आस्ती कहाँ रहता है? सिलेंडर होगा गवर्नमेंट को, तो सर के बाद ये भी सिलेंडर होगा। आपके पास इसका कुछ प्रूफ है सर?
प्रूफ है ना, हमने पूरे मीडिया में दिए है, वहाँ के जो हर एक पत्थर पत्थर पे पुकार पुकार के कह रही है, हर एक पत्थर ये बसवेश्वर के काल के अंदर बनाए सो है वो मंडप, हर एक पत्थर से पूछ, आज पत्थर कह रहा है मैं उस जमाने का बनाए सोए, बल्कि पूरा उस पत्थरों को तोड़ा गया, उस पत्थरों को जोड़ा गया, कईयों वहाँ के शिला शासनों को तोड़ कर खत्म किया गया है। आज से नहीं है, ये कईयों सालों से भारत की संस्कृति के ऊपर ये हमला हो गए सो है। हम वो हमला को हम तीर से खंडन करते आया, अब वक्त आ गया, वक्त के हिसाब से अब चलिए हम भी चलना, आप भी सहकार देना, हम भी सहकार देना, हम कोई इससे कोई कौम गलबी करने का कोई मतलब नहीं, वहाँ पे कोई नमाज नहीं होता, क्या ही नहीं होता भाई, मोहब्बत से है, मोहब्बत से दे दो उससे। हम इससे पहले भी उन्होंने तैयार हुए थे माता जी को देने के लिए, तो किस लिए पेंडिंग पड़ गया सर, देने के लिए तैयार होगा तो जब उन माता जी मुझे अकेला लिए तो मेरी ओन प्रॉपर्टी होता है, सरकार लेके सरकार का प्रॉपर्टी होना तो सबका प्रॉपर्टी होगा, वहाँ पे सभी लोग जा सकते हैं। आज अनुभव मंडप में कोई जाने के लिए कोई रोक है क्या, किसको भी, हिंदू जाता है, मुसलमान जाता है, क्रिश्चियन जाता है, सभी लोग जाते हैं, सभी लोग बसवेश्वर को मानते हैं ना भाई, बसवेश्वर ने सभी लोगों को उस कल्याण के अंदर जीने की राह बताई, उसके वास्ते हमने आपसे उन लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं नवाब से, आज भी हम उन आंधे हम वेलकम है उनको, हमारे पूरी स्वामी जी लोगों को वहाँ जाने के लिए सरकार से हम गुजारिश करते हैं, वहाँ पुलिस जो लगा है वो निकालिए, देखेंगे सच्चाई क्या है, पता चलेगा ना भाई, लोगों को मालूम होना ना सच्चाई को, क्यों क्यों तुम छुपाना चाह रहे हो। परसों आप भी लोग मीडिया वाले गए थे, मीडिया को वालों के ऊपर भी हमला हुआ, क्यों भाई, इसका हम खंडन करते हैं, मीडिया ही ये भारत देश का एक ऐसा खंभा है जो सच्चाई बताने का, हर लोगों को हर सच्चाई बताने का अस्त्र ही है। सर आगे आने वाले दिनों में अगर होराटा करना है तो इससे ज्यादा करेंगे सर आप? बिल्कुल अवश्य करेंगे, आज हम सरकार को शांतिपूर्वक से और समाधान से हम गुजारिश कर रहे हैं, उनको विनती कर रहे हैं, ये हमारी मूलत अनुभव मंडप है, वहाँ की शिला शासन बताता ना भाई, जो मुसलमान की है ना भाई, बोल रहे ना तुम, मुसलमान की जो मोगल जब बनाए थे उनका संस्कृति अलग रहता है, हमारी संस्कृति अलग रहती है, हिंदू परंपराओं की संस्कृति अलग रहती है, बसवेश्वर के परंपरा की अलग रहती है, वो हमारी संस्कृति हमारी है, वो हमारे बाप दादा की आस्ती है, हम ऐसा इजी किसी को छोड़ते नहीं, उसको किसी हालत में कैसा लेना है वक्त आए तो वैसा ही लेके रहेंगे, इसके लिए वक्त आने नहीं देना, सरकार से हम गुजारिश कर, अगर इसके लिए आपको कांटों पे चलने की जरूरत हो भी चलेंगे आप, बिल्कुल कांटे क्यों, अंगारों पे भी चलेंगे हम। सर और एक बात है, इसमें बीदर डिस्ट्रिक्ट में स्वामी जी जो है ना दो हिस्सों में बटे हुए हैं, कौन से दो हिस्सों में बटे, हल्की के चंद्र बसों पट्टे, हर इंसान बटा हुआ है, देखो हर इंसान बटा हुआ, हर एक आदमी का सोच अलग होता है, उनका रूम कौन अलग है, बोल रहे आज पूज्य माता जी ने ये बोल रहे उनका आश्रम दिए हमारे को पूरा, आज माता जी का आश्रम हमारे को, जितने स्वामी लोग आ रहे हैं उनको रहने का ठहरने का खाने का इंतजाम कर रहे हैं, अनुभव मंडप में जो है वहाँ बसवेन पटदेवर का उन्होंने भी हमारे को रूम दिए है, ये बसवेश्वर की संत है, यहाँ पे सभी लोगों को आने की खाना खाने का रहने का, आज से नहीं 12वीं शतमानी के अंदर से यहाँ पे दासों निधि चले सो है, यहाँ पे कोई किसी को रोक नहीं टोक नहीं। अब इसका जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं सर? हम सरकार को ठहरा करते हैं, सरकार इसको अपनी सिरे से लेकर जिम्मेदारी से अगर निभाना चाहिए। आपका नाम सर? हम जिला अधिकारी से भी और जिला वस्तु वारी सचिव से भी हम गुजारिश करते हैं कि उन्हें सिरे से लेकर इसको महत्वपूर्ण घटना लेकर इसको, हम परसों मुख्यमंत्री को मिले थे भाई, मुख्यमंत्री हमारे को बहुत अच्छे आश्वासन दिया है, उसको कमिटी बिठाया गया है, प्राचीन वस्तु संग्रहालय भारत की जो है संस्कृति जो प्राचीन वस्तु संग्रहालय है उसको हमारी अर्जी डाइवर्ट उन्होंने लिख के दिए हैं उधर, वो होने के बाद उसके ऊपर सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अगर काम नहीं कर रहा है बोले तो हम उसके लिए आगे का सोचेंगे, अभी भारत अभी सरकार जो कर रही है सर, सरकार के हर फैसले से खुश होंगे आप क्या? देखो सरकार कैसा फैसला करती है बोल के मेरे को मालूम है कि आपको मालूम है जो भी फैसला आएंगे आपको, आपको अगर मालूम रहे तो सरकार क्या फैसला करना है बोले तो आपको अगर पहले से मालूम रहे तो मेरे को बोल रहे जैसा आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं सरकार के फैसले को मानेंगे क्या? हम सरकार को जिम्मेदार करें, सरकार अपना भी मानना बता रहे ना सरकार की, सरकार अपना काम कर रहे हैं भाई, काम करने दो सरकार को, हमारा काम हमारी मांग है, हम हमारी मांग रखेंगे, सरकार अगर मांग पे हमारे कोई एक जगह, हम कोई रैली नहीं कर रहे, कोई वायलेंस नहीं कर रहे,
सभी एक जगह एक खेल मैदान के अंदर सभी लोगों को आकर सभी स्वामी संत लोगों को बैठकर हम चिंतन मंथन करेंगे। आने का आने वाले 12 तारीख के बाद इसके बारे में हम सरकार को एक डेडलाइन देते हैं। डेडलाइन देके वहाँ तक उनका काम करना है। आगे का हमारा सोच हमारे पूज्य लोग हैं हमारे ऊपर और सोचने वाले हमारे राजेश्वर शिवाचार्य तोडाड़ा अप्पा इसका नेतृत्व लिए हमारे अप्पा जी का बहुत योगदान है इसके अंदर। हम तोडाड़ा अप्पा जी बैठ कर हम सभी लोग हम शिवाचार्य अप्पा जी जो करेंगे सभी स्वामी लोग संत लोग जो करेंगे उसका निर्णय को हम सभी मानना पड़ता है। अपना नाम सर? किरण खंडरे।